हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल फतेह ब्लॉग। मैं थोड़ा स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो जिस तरह के आप डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज लैके आते रहने, है ना। तो इस बार मैं मतलब लैके नहीं आई, कुदरती वीडियो आ गई। आई क्यों? रीजन ये होया भी मैनू मतलब दुपट्टा सी मेरे को, तो मैं सूट लेना सी, बट सूट पूरी मार्केट चो गोविंदगढ़ की जो सू मिले नहीं है वो कलर जो सू चाहिए सी, है ना। और जो सू मिले तो वह कपड़ा सिर्फ तो सिर्फ सवा दो आ, मतलब ढाई से सवा दो है ना, ढाई है ना सवा दो है ना। तो हूँ चैलेंज ये है भी वो सूट बनता या नहीं बनता, है ना। तो मैं टेलर दो तीन टेलर दिखा चुकी हाँ, बट वह कहते हैं ज्यादा शर्ट बनूगी जा सलवार बनूगी, है ना। बट मैनू आप तुर पता बड़े टेलर मैंने कुछ ना कुछ दिमाग के आइडिया है, मैं कभी जो आप स्टिचिंग आई तो आप करिए, है ना। सो हूँ पहला लेंथ तो सुन लियो, जिदी जिदी लेंथ ए हो सिर्फ ओही ट्राई करन, अदरवाइज ये ना सोचो भी सवा दो मीटर जां ढाई मीटर दे विच सब दे सूट बन सकते हैं। जिदा हुण घेरा भी आगा, है ना, तो उहदा सूट नहीं बन सकता, तुसीं भी समझदे हो कि पॉसीबल ही नहीं हैगा, है ना। तो वह ग्लेस कॉटन का कपड़ा गा, तो मेरा घेरा जिहड़ा 19 आगा, है ना, तो जिहड़ी लेंथ आगी वह 40 आ, है ना। तो उस अकॉर्डिंग तुसीं अपना सूट बनाउणा गा, तो अदरवाइज बाकी ना पक्का लिओ। हुण मैं तैयार करन लगी, मैं तुहानूं दिखाउणी वी किद्दां बणूगा सूट। तो चलिए फिर आ जाओ। ते हुण पहला मैं लेंथ तुहाडे सामने मिल रही है, तुहानूं इहना लगे भी झूठ बोल रही है, चैक कर लियो, है ना। जिन्हां नूं मिंती गिनती आउंदी, गिनती मिंती मिंती नहीं आउंदी हैगी, ना मैं तुहानूं दस्सां कि मैं बड़ा वड्डा टेलर हाँ, मैनूं नहीं पता किन्ने इंच का की हिसाब किताब हुंदा गा, इत्थे तक अपना पूरा इंच टेप आ गया, ठीक है जी। देख रहे होगे तुसीं, इत्थे ही रखोगे हाथ में लाउंदे नहीं गे, इत्थों मैं रख लिया इंची टेप फेर दुबारे, ठीक है। हम देख लो जड़े जड़े मिलते गिणते हैं, इन्ना गा बई ये हम तुम देख लो भी किन्ना गा, पूरा इंची टेप ला के 45 आ। ये तुम व्हाट्सअप का जो कट लो, मैं मिलना नहीं है, मैं मनवाया सी टेलर तो मैं पता भी इन्ना कपड़ा गा, है ना। सो ए घेरा भी आप दिखा दिए, थोड़ा आ रहा है भाई घेरा, बाई है नहीं गा बंदे का पूरा घेरा, ठीक है कंप्लीट जाया। मेरा घेरा 19 आगा, है ना, 42 सलवार आपां कटांगे 31, है ना, क्योंकि अपने कोल घट वैसे मैं 32 कटदी हुंदी आ, पर आपां 31 कट लैंदे आ, कोई चक्कर नहीं हैगा, थोड़ा बहुत निक्की दा फर्क चल जांदा हुंदा गा, है ना। बैल्ट च कढ लांगे उहदी आपां, तुहानूं सारिआं नूं पता जिहड़े कटदे ने बैल्ट च निकल जांदे ने जिहड़े सिस्टम। मेरे 31, ठीक है जी, तुहाडे सामणे करांगे आपां। लेंथ कढ ली सलवार दे, पट आ गया, देखो जेडे पट सीगे, है ना, वह भी मैं तुहानू दसते नेगे, वह आप कढ़े सी 31, ते शर्ट आप कढ़ी सी 41। हिसाब लाई जायो मैनू बाद च ना क्यों, है ना। ते अपने कोल पिछे आ देख लो जी, इन्ना बचिया कपड़ा 31, ठीक है जी। आप एक बार उधरों भी चेक कर ली, लेट चेक इट 31, ठीक है जी। वो इन्ना शुक्र भी कपड़े च कान नहीं है, ठीक है। इतों आप 31 कट्टना नहीं है, क्योंकि 1 इंच आप कटा लेना इतों, ठीक है जी। आप इंच इंची तो बचा अपने अपने को है कुछ नहीं, हूँ आही सी कपड़ा लग गया सुखन वाला, ठीक है जी। जे मैं कट भी कर लूंगी तां भी चल जूगा, डरन दी लोड़ नहीं हैगी आपां नूं, ठीक है। हुण तुसीं कहोगे झोली, है ना, कढ़दे आपां
ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਛੋੜੀ। ਇਹ ਛੋੜੀ ਜਾ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਧਰੋਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 8। ਬੋਲੇ ਤੋ 8। ਅਭੀ ਹਮ ਕਰੇਂਗੇ ਇਸਕੀ ਕਟਿੰਗ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੱਟ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੱਪੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ 31 ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ। ਲੈਂਥ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ 31 ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ 31, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ, ਮਤਲਬ 7, ਹੈ ਨਾ, 7 ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮੂਹਰੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 14.5 ਕੱਢ ਲੂੰਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। 6.5 ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੂਹਰੀ ਆਪਣੀ। मैंने कर दिया, हूं इतो माड़ा नोट कर लो ये कि हिसाब किताब, थोड़ा पता लग जूगा, ठीक है। ये कपड़ा अपने को बच गया जरा, यदि आप बैल्ट नहीं पानी, बैल्ट का यह होंगे बैल्ट आप किसी पास भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। अपने को निकल लगी जी बाहां, अपन आर्म्स, तो मेरे को बचेगा इतने 7, नोट कर लो। वैसे मेरा है 8, जी मेरी बाह 8 आ गई, सो मैं इतने इन्ना फिर जोड़ पाऊंगी, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਲੈਂਥ 15 ਪਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ, ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਟ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਧੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ। ਸ਼ਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਨਿੰਗ ਚੜ ਕੇ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਚੜਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੈਲਟ ਰਹਿ ਗਈ, ਬੈਲਟ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਹਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੂਟ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਬੈਲਟ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਟਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਟਿਚਿੰਗ। ਸਟਿਚਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਲਵਾਰ, ਮੈਂ ਸਲਵਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸਲਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੱਟ ਜੜਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨੀਚੋਂ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਧ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਘੱਟ ਜੂਗਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਟ ਨੇਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ ਮੈਥਡ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।